दोस्तों FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसने पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। इससे दोस्तों पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें दोस्तों कि FATF हर साल ऐसी एक सूची निकालता है जिसमें वो अलग अलग देशों को ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल करता है और पाकिस्तान को दोस्तों पिछले साल की तरह अभी भी FATF ने ग्रे लिस्ट में ही जारी रखने का फैसला किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन देशों को ग्रे लिस्ट की सूची में रखा जाता है, क्या है FATF और कैसे ये काम करती है, और पाकिस्तान पर इस ग्रे लिस्ट की सूची में रखे जाने का क्या असर होगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं रोहित देश और दुनिया से जुड़ी हलचल की खबरें आपके सामने लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की बैठक अभी हाल ही में 23 अक्टूबर को हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसकी घोषणा FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई इस बैठक में ये कहा गया कि पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों पे खरा उतरने में सफल रहा है, इसलिए पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। FATF के अनुसार पाकिस्तान को उन लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं और उनकी फंडिंग करते हैं। FATF ने पाकिस्तान सरकार को 27 काम सौंपे थे। पाकिस्तान सरकार ने इसमें से 21 काम पूरे किए और उनकी रिपोर्ट भी सौंप दी है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। FATF ने कहा कि पाकिस्तान हमारे द्वारा दिए गए 27 कामों में से केवल 21 काम ही पूरे कर पाया। अब इसे पूरा करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है, इसलिए FATF सन 2021 तक बाकी के बचे हुए काम खत्म करने का अनुरोध करता है और उसके बाद ही वो पाकिस्तान से ये फैसला लेगा कि उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं कि किन देशों को इस ग्रे लिस्ट की सूची में डाला जाता है। दोस्तों ग्रे लिस्ट की सूची में उन देशों को डाला जाता है जो काले धन को वैध बताते हैं और टेरर फंडिंग करते हैं यानी कि टेररिज्म प्रमोट करने के लिए वो फंडिंग करते हैं। ग्रे लिस्ट में डाले गए देशों को ब्लैक लिस्ट होने का खतरा बना रहता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और देशों के आर्थिक प्रतिबंध भी उसे झेलने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो दोस्तों होता है ग्रे लिस्ट वाले देशों को वो ये है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी देशों से ऋण यानी कि लोन लेने में उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। ग्रे लिस्ट की सूची में डाले जाने के बाद उसके इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही ज्यादा कमी आती है और उसकी इकोनॉमी बुरी तरह से कमजोर हो जाती है। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं कि ग्रे लिस्ट में डाले जाने के बाद इससे पाकिस्तान पर क्या असर होगा। दोस्तों ब्लैक लिस्ट होने के बाद पाकिस्तान को लोन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के बाद देशों को अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेने में अच्छी खासी मुसीबत सामना करना पड़ता है। ब्लैक लिस्ट होने से इन्वेस्टर्स उस देश में इन्वेस्ट नहीं करते। कमजोर आर्थिक हालात से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आप सबके लिए आज का सवाल, आज दोस्तों आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक लेकर। नमस्कार। We'll be right back.